इस क्वेश्चन में हमें ए एक 3x3 मैट्रिक्स दिया गया है एंड बी इक्वल्स टू बी भी एक मैट्रिक्स है, बी इक्वल्स टू ए टू द पावर 5 प्लस ए टू द पावर 4 प्लस i3। i3 एक 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइगन वैल्यू ऑफ बी। अच्छा, तो हमें बी का आइगन वैल्यू फाइंड करना होगा। तो बी का आइगन वैल्यू फाइंड करने से पहले एक ए का आइगन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सपोज ए का आइगन वैल्यू है लैम्डा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 0 0 माइनस लैम्डा 0 माइनस 2 2 2 माइनस लैम्डा। अच्छा, अब इस डिटर्मिनेंट को हमें ब्रेक करना होगा। तो देखो, इस रो पे सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट सिर्फ 2 माइनस लैम्डा है, ठीक है, इस कॉलम पे। एंड तो इसे हम ये रो, ये कॉलम एंड ये रो कैंसिल कर देते हैं, तो 2 माइनस जो लैम्डा है वो बाहर चला आएगा। एंड यहाँ पे है 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 0 माइनस लैम्डा, तो दिस इक्वल्स टू है 2 माइनस लैम्डा इनटू 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इनटू माइनस लैम्डा एंड माइनस 0 इनटू माइनस 1 मीन्स ये 0 हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू वो क्या होगा, माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा। अब दिस इक्वल्स टू 0 रख दो, तो यहाँ से आपको लैम्डा का 3 वैल्यू मिलेगा। यहाँ से मिलेगा लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा मिलेगा लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड तीसरा है लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो ए का हमें 3 आइगन वैल्यू मिल रहा है, एक 0, ये लैम्डा ए मीन्स एक आइगन वैल्यू 0 1 एंड 2। अब देखते हैं बी का आइगन वैल्यू क्या होगा। देखो, जब ए का आइगन वैल्यू 0 होगा, दैट मीन्स लैम्डा ए इक्वल्स टू 0, देन बी का आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा बी इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा ए टू द पावर 5 प्लस लैम्डा ए टू द पावर 4 प्लस लैम्डा i3। अच्छा, अब i3 जो ये 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू 1 होगा। तो दिस इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 प्लस, अब लैम्डा इक्वल्स टू क्या है, 0, 0 टू द पावर 5 प्लस 0 टू द पावर 5 इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू 1। तो जब लैम्डा ए इक्वल्स टू 0 देन लैम्डा बी इक्वल्स टू 5, तो लैम्डा ए इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज लैम्डा बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जब लैम्डा ए इक्वल्स टू 1 होगा तब देखते हैं क्या होगा। तो लैम्डा बी इक्वल्स टू होगा 1 टू द पावर 5 प्लस 1 टू द पावर 4 एंड प्लस 1, तो दिस इक्वल्स टू आ रहा है 3। तो जब लैम्डा ए इक्वल्स टू 1 देन लैम्डा बी इक्वल्स टू 3। तो नेक्स्ट देखते हैं लैम्डा ए इक्वल्स टू 2, तो लैम्डा ए, तो लैम्डा बी क्या होगा, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 1, तो दिस इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5 मीन्स 32 प्लस 2 टू द पावर 4 है 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 49। तो जब लैम्डा ए इक्वल्स टू 2 देन लैम्डा बी इक्वल्स टू 49। तो बी का आइगन वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, एक है 1, दूसरा 3 एंड तीसरा 49। तो आइगन वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 1, 3 एंड 49। तो 1 यहाँ पे हो रहा है बी का आइगन वैल्यू, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, 3 हो रहा है एंड 49 हो रहा है। यहाँ पे हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइगन वैल्यू ऑफ बी, तो 2 जो है ये बी का आइगन वैल्यू नहीं है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट।